अरबों वर्ष पहले इस विशाल धरती पर पेट के बल पर चलने वाला जीवों का विकास हुआ था। इन वर्गों के जीवों में ऐसे ऐसे भयानक जीव थे जिनके बारे में पढ़ने के बाद आश्चर्य होंगे। पेट के बल पर चलने वाला जीवों को सरीसृप कहा जाता है। इस धरती पर प्रत्येक जीव का विकास स्वाभाविक है। सरीसृप के कंकालों से ज्ञात होता है कि वह सभी स्तन्यधारी और पक्षियों के पूर्वज टुआटरा के सदृश थे। प्राप्त प्रामाणिक के अनुसार सरीसृप को 6 श्रेणी में विभाजित किया गया है। स्पेनोडन, डायनोसरिया, टेरासरिया, इक्वियोसरिया, पसियोसरिया, एनमर्डेंसिया। न्यूजीलैंड के मारियो लोगो सांप को टुआटरा कहते हैं, इसका मतलब कांटेदार सरीसृप। प्राचीन काल में न्यूजीलैंड द्वीप समूह में इस प्रकार जीव रहते थे, लेकिन वर्तमान ये जीव कुछ उत्तरांचल द्वीपों में देखने को मिलते हैं। ये एक मांसाहारी जीव है जो छोटे छोटे मछली, कीट आदि को खाते हैं। समुद्र के तट पर रहने वाला टुआटरा केकड़ा प्रजाति जीव को भी खाते हैं। यदि ये लोगों बाहरी आकृति से छिपकली जैसे दिखते हैं, फिर भी ये लोग छिपकली की प्रजाति नहीं है। टुआटरा उसका गड्ढा खोदने में पेट्रेल नाम का एक सामुद्रिक पक्षी उसका मदद करती है और वो दोनों एक साथ उस गड्ढे में रहते हैं। एक टुआटरा दूसरे टुआटरा को अपने गड्ढे के अंदर आने नहीं देती है। युवा टुआटरा के दोनों मसलों में और तालू में दांत होता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वह दांतहीन हो जाता है। 60 साल पहले टुआटरा 15 से 20 रुपए में बिकवाली होती थी। 1914 साल में ये 225 में बिकवाली हो रही थी, लेकिन अब ये काम न्यूजीलैंड सरकार के अलावा कोई नहीं कर सकता। वैज्ञानिकों को इन जीवों के सिर के बीच में एक तीसरा नेत्र रहने का चिन्ह पाए हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक प्राचीन काल में ये जीव तीसरी आंख से देखते थे, लेकिन समय के साथ यह तीसरा नेत्र धीरे धीरे बंद हो गई है। पुरातन युग के टुआटरा के जाति के शरीर अवशेष के साथ उस युग के एक विशाल सरीसृप का निदर्शन मिला है। इस सरीसृप का शरीर अवशेष यूरोप, एशिया, दक्षिण अफ्रीका, उत्तर तथा दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में दिखने को मिले हैं। अनुमान करके पता चला है कि ये लोग जल तथा स्थल में रहते थे। उनके शरीर असामान्य थे, लेकिन सिर बहुत छोटे थे। सरीसृप के अनेक उपजाति थे, उनमें से एलियोसरस, इगुवानोडन, स्टेगोसोरस मुख्य थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि एलियोसरस सरीसृप का शरीर प्राय 4.5 मीटर लंबे थे। उनका गर्दन बहुत लंबा और मोटा था, लेकिन उनके सिर शरीर का अन्य हिस्से के तुलना में बहुत छोटे थे। उनकी पूंछ गर्दन से अधिक लंबे थे और उनके पैर हाथी की तरह बहुत मोटे थे, जिसके कारण वे जल्दी चल नहीं पा रहे थे। और वे लोग गाय भैंस की तरह घास पत्ते खाते थे। इगुवानोडन एलोसरस की तुलना से छोटे थे। उनके सिर बहुत बड़े थे और उनके पिछले पैर उनके अगले पैर से बड़े थे और बहुत मजबूत थे। उनके आगे का पैर छोटे छोटे थे और इन पैरों की मदद से वे अपने निचले पैर पर कूद सकते थे। इनकी पूंछ मोटा और छोटे थे। ये लोग भी घास पत्ते खाते थे। स्टेगोसरस एक विचित्र जीव था। इसके पेट चमड़े की पट्टी से ढके हुए थे। इसके पेट पर एक चमड़े जैसे असमान हड्डी उभरी हुई थी। वे लगभग 2 मीटर लंबे थे। उनके सिर बहुत छोटे थे। ये लोग भी घास पत्ते खाते थे। प्रत्येक मानव सांप को एक अनोखे नजरे से देखते हैं। खास तौर पर इन जीव में विशेष विचित्रता दिखाई देती है। ये शिव और अशिव रूप में संसार में श्रद्धा और भय का कारण बना है। आम लोगों का मानना है कि दुनिया के सभी सांप जहरीले होते हैं। वर्तमान समय में धरती में लगभग 1800 प्रजातियों का सांप का संधान मिले हैं। इनमें से लगभग 1500 प्रजातियां सांप भारत वर्ष में दिखने को मिले हैं।
आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ सांप उड़ भी सकते हैं। उड़ने वाला सांप दक्षिण भारत और एशिया के अन्य गर्म क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। यह सांप एक पेड़ की शाखा से दूसरे पेड़ की शाखा पर छलांग लगाती है। उड़ने के दौरान यह शरीर को सीधा रखता है और शरीर के ऊपरी हिस्से को प्रसारित कर देता है। यह तिरछे में नीचे की ओर उड़ पाता है। उड़ने वाला सांप देखने में बहुत सुंदर होता है। इसका रंग गहरा हरा और उसके ऊपर पीले, लाल, नारंगी रंग के चिन्ह होते हैं। समुद्रिक सांप सबसे जहरीले होते हैं। सबसे बड़ा सांप 10.5 मीटर तक लंबे होते हैं और ये भारत वर्ष का अजगर सांप है। कोई भी सांप 25 साल से ज्यादा जीवित नहीं रह सकता। सांप गूंगा और बहरा होता है। कुछ सांप अंडे ना देकर सीधे बच्चे को जन्म देते हैं और ऐसे सांप ज्यादातर समंदर में दिखने को मिलते हैं। सांप कितने महीनों तक भोजन के बिना रह सकता है? आश्चर्य की बात है कि अगर वह नहीं भी खाते तो भी उनका कुछ भी नुकसान नहीं होता। सांप आमतौर पर अपने शिकार को पूरा निगल लेता है। कभी कभी वह बड़े बड़े जानवर को भी निगल सकता है। उसकी वजह से ग्रास नली और पेट बल की तरह फूल जाती है। सांप की पाचन शक्ति बहुत प्रखर होता है। इसके पाचन तंत्र में हड्डियां, दांत और अन्य कठोर वस्तुएं रस में एक साथ मिल जाती है। सांप शिकार करते समय उसका श्वास क्रिया सहज कर लेती है। इस प्रकार अस्वाभाविक परिस्थिति में सांप का श्वास नली मुंह के बाहर चली आती है, इसलिए पवन सीधे सीधे फुसफुस में चली जाती है। अधिकांश सांप किसी बिल में, बाली के नीचे या फिर आवर्जना युक्त स्थान में अंडे देते हैं। समय के क्रम से प्रकृति के सहायता से अंडे से बच्चे निकल आते हैं। सांपों के जहर से बनी दवा गांठ रोग के लिए अत्यंत उपकारी है। बेसिली सांप के मुंह में 2 या 4 जहर दांत होते हैं और एक और जहर ग्रंथि होता है। जब सांप अपने दांत से काटता है उसी समय जहर ग्रंथि से जहर निकलकर दांत की जड़ों में आ जाता है। बाहरी आकृति को देखकर बेसिली सांप का जानना बहुत मुश्किल है। बेसिली दांत जहरीले सांप का निशान है। सारे सांप का जहर दांत में थली रहता है। सांप का जहर का रंग हल्का भूरा होता है। जहर का कोई स्वाद नहीं होता, लेकिन नाग सांप का जहर मिर्च जितना तीखा होता है। हर किसी को सांप के काटने का लक्षण पता होनी चाहिए। हर किसी के लक्षण अलग अलग होते हैं। नाग सांप काटने की प्रभाव वाइपर श्रेणी के सांप के काटने का प्रभाव भिन्न भिन्न है। नाग सांप काटने के प्रभाव 10 मिनट से 2 घंटे के अंदर प्रकट होते हैं। घाव के स्थान पर तीव्र सूजन शुरू हो जाती है। श्वास क्षिप्र हो जाती है। काटने का स्थान सूज जाता है और घाव से हल्के भूरे रंग का रक्त निकलता है। रोगी का समस्त शरीर दुर्बल और शिथिल हो जाते हैं और वो बोलने की शक्ति हरा देता है। उसके मुंह से झाग निकलता है। आजकल सांप के काटने पर इलाज और उपचार के लिए नए तरीके विकसित किए गए हैं। रोगी के रक्त में एंटीवेनम इंजेक्शन दिया जाता है। बॉम्बे के हॉपकिन इंस्टीट्यूट में जहर का सीरम बनाया जाता है। सबसे पहले खरगोश, घोड़े तथा अन्य जीव के रक्त में जहर को इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक दिन कुछ कुछ जहर रक्त में प्रवेश किया जाता है। कुछ महीने बाद जहर का प्रभाव रहता नहीं है और उस जीव का रक्त निकल लिया जाता है। रक्त जमाट बांधने पर केवल पानी रह जाता है, जिसको सीरम अथवा एंटीवेनम कहा जाता है। इस सीरम को छोटे छोटे कांच के नली में पवन मुक्त करके बंद किया जाता है और शहर तथा गांव में भेज दिया जाता है, जिसके कारण हजारों लोग की जीवन बच जाती है।